ये फिल्म बहुत ही शानदार, ऐसे ग्राफिक्स मैंने नहीं सोचे थे, ऐसी कहानी को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे डायरेक्टर ओम जी, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। भूषण कुमार जी जो टी सीरीज़ के प्रोड्यूसर हैं उनको मैं देता हूँ, और सारे कलाकार, ग्राफिक इसका बहुत शानदार था। हमारे देखिए पीढ़ियों को हमारी सनातनी संस्कृति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या थे, हमारे बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पाश्चात्य कल्चर में चले गए हैं ज़्यादातर अंग्रेज़ मानसिकता के साथ जो हम लोगों को पढ़ाया जाता था इतिहास में, हमारे इतिहास को जानना, हमारी पीढ़ियों को, ये फिल्म सभी को देखना चाहिए। आजा संडास दिखा दो। राइट, यस। और कहा जा रहा है जी, और इसके दो पहलू हो सकते हैं मनोज। एक है कि ओवर सिंप्लीफाई हुआ है, तो मतलब कि एक तरह से एक लॉबी है जो कहे कि हिंदू धर्म का अपमान हो गया है या हनुमान जी का अपमान हुआ है, और एक दूसरा पहलू हो सकता है कि ओवर सिंप्लीफाई या सिंप्लीफाई किया है ताकि मैक्सिमम ऑडियंस उसको समझे और उसके साथ रिलेट कर सके। देयर यू गो। Did you deliberately try to oversimplify it? Yes, completely. It is not an error. It is a very meticulous thought process that has gone into writing the dialogues for Bajrang Bali. And for all you have made it simple deliberately. We have made it simple because we have to understand one thing. If there are multiple characters in a film, they cannot, all cannot speak the same language. There has to be a kind of diversion, a kind of division. जो dialogue है, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये जो dialogue है, जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में, तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लीफाइड है। क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, हम सब जो है, हम सब रामायण को कैसे जानते हैं, मैं रामायण कैसे जानता हूँ, और आप भी शायद ऐसे ही जानते हैं और ओम भी ऐसे ही जानते हैं। हमारे यहाँ कथा वाचन की भी परंपरा है, एक तो पढ़ने की परंपरा है और दूसरी वाचन परंपरा है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथा वाचक होते हैं। मैं एक छोटे से गाँव से आया हूँ, हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। अच्छा, आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू राइट दिस डायलॉग, इट इज ऑलरेडी देयर। डू यू थिंक इट शुड बी मोर संस्कृताइज्ड, मोर ठहरा हुआ? संस्कृताइज तो हमने कभी करना नहीं चाहा। आर यू मेकिंग रामायण इनटू एन एक्शन फिल्म? एक बात आप मुझे बताएं, आर यू मेकिंग रामायण इनटू एन एक्शन फिल्म? रामायण इज एन एक्शन फिल्म, देयर इज लॉट ऑफ एक्शन इन इट। क्या बोला तूने? हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब यह है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीज़ें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही हैं और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं हमेशा। हमारा अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायण से बहुत हैवीली प्रेरित हैं। गजब तो विवाद आदमी। आखिरकार जब हम मैं भारत की विरासत की बात करता हूं तो आपके दिल और दिमाग दोनों में क्या चीज आती? जब आप भारत की विरासत की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बप्पा रावल आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा उदय सिंह आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा प्रताप आते हैं, मेरे दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता, मेरे दिमाग में बाबर नहीं आता, मेरे दिमाग में अकबर नहीं आता, मैं इसका क्या करूं? तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। मनोज मुंतशिर, मुंतशिर की मीनिंग बिखरा बिखरा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बिल्कुल, यू आर नॉट मिस्टेकन एट ऑल। तो ये किस तरह से जुड़ा, और कोई अल्फाज नहीं जुड़ा, मनोज के साथ मुंतशिर कैसे जुड़ा? इत्तेफाक है यार, रैंडम तो नहीं हो सकता। ये रैंडम है, ये रैंडम है, मैं बताता हूँ रैंडम कैसा है। हाँ। मैं शायरी की तरफ झुकने लगा तो मुझे भी एक पेन नेम की जरूरत थी और मैं था मनोज शुक्ला। तो मनोज शुक्ला में वैसे भी वजन नहीं था, वेट नहीं था। मैं समझता हूँ इस देश में, इस इतने बड़े पंडाल में एक इंसान खड़ा होकर मुझे बोल दे कि मैं दो मिनट बात करूंगा बगैर उर्दू के, तो मैं उसके आगे झुक जाऊंगा? हो ही नहीं सकता। हमारी साझी विरासत है, जितना राणा प्रताप हमारे हैं उतने अकबर हमारे हैं। तो जब आप इस पे जाएंगे कि आप एक जबान को पूरी तरह से निकाल के फेंकने की कोशिश करेंगे हमारे, हमारी तरबियत से, हमारे संस्कार से, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जबान तो निकलेगी नहीं लेकिन जो हमारी यूनिटी है उस पर जरूर असर पड़ जाएगा। जिनको हमारी फिल्म से प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है, क्योंकि जय श्री राम गूंज रहा है ये घबराए हुए लोग हैं, इनको डर लग रहा है। ये तो इस देश में कभी हुआ नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले तक इस देश में अपने आप को हिंदू कहना पाप समझा जाता था, अधर्म। मुझे तो सचमुच लगता था, मैं अपने बचपन की बात बताऊं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे लगता था कि अगर मैंने कहीं कभी हिंदू बोल दिया अपने आप को तो शायद मुझे जेल में ठूंस दिया जाए। आज माहौल बदल रहा है, आज जय श्री राम का जय घोष हो रहा है। मैंने कल थिएटर में मास्क लगा के, जब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है, एक कवि की नजर उसे किस तरह से देखती है? नहीं, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है तो मुझे तकलीफ होती है, और इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि मेरी तमाम यादें इलाहाबाद की हैं, तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरी माँ का नाम किसी ने बदल दिया। मैं तो जब पैदा हुआ था मैं इनको प्रेमा शुक्ला के नाम से जानता था, अब अचानक कल कोई आए और बोले अब इनका नाम सविता है, तो मैं सविता से कनेक्ट कैसे करूंगा? मेरी माँ का नाम प्रेमा शुक्ला है, मैं वही नाम जानता हूँ।
तो मुझे नहीं पता क्या इसके पीछे वजह है। आप बदले नाम, लेकिन जब तक इलाहाबाद वालों में इलाहाबादी पना बाकी है तब तक सब ठीक है। क्या खुले दिल से आप कहेंगे कि नहीं मैं माफी मांगता हूँ? अगर माफी से भी बड़ा कुछ होता है। जब आप माफी मांगते हैं ना, जब आप क्षमा कहते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तो क्षमा याचना करने के बाद आप अगली गलती की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये माफी का रेफरेंस है, आप देखिएगा। मैं क्षमा मांगने की जगह मैं इसको एक्शन में डाल रहा हूँ, मैं कर्म में डाल रहा हूँ। क्षमा मांग के मैं बोल दूं चलिए सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये सॉरी तुम दिमाग में 1000 बार बोलते हैं, उस सॉरी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं आगे बढ़ा, मैंने एक्शन में डाला, मैंने काम करके दिखाया। मैं एज अ राइटर, मेरे ख्याल से मैंने गिनी नहीं पर 70वीं फिल्म होगी, 70th फिल्म होगी मेरी, जिसमें मैंने गाने लिखे, मैं इन्वॉल्व रहा। 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। इस श्रद्धा भावना से हमने फिल्म बनाई। तुम एक नंबर का हो यार शुक्ला। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। पवन तनय संकट हर।